दर्शकों से खचाखच भरे चिन्नारी प्रखंड मुख्यालय में स्थित हाई स्कूल का खेल मैदान पर सोमवार को फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस दौरान मुख्य अतिथि MLC संतोष सिंह, जिला पार्षद सदस्य मंगल राम ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय की। उसके बाद MLC संतोष सिंह के द्वारा फुटबॉल को खेलकर मैच की शुरुआत की गई। मैच के शुरुआती दौर से ही फाइनल मैच के टूर्नामेंट में लॉन्जी की टीम अपना दबदबा बनाए रखी थी। हाफ टाइम से पहले तीन गोल कर डालमिया नगर से आगे थी। हाफ टाइम के बाद लॉन्जी की टीम ने एक गोल और की और सारी कसर पूरी कर दी। डालमिया नगर की फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ी गोल करने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन डालमिया नगर के खिलाड़ी एक भी गोल नहीं कर पाए। फाइनल मैच के मौके पर खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित करते हुए MLC संतोष सिंह ने कहा कि फुटबॉल एक महत्वपूर्ण खेल है। हार जीत को दरकिनार करते हुए खेल को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ खेलना चाहिए। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाके में इस प्रकार के खेल के आयोजन किए जाने से खासकर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपने अंदर छिपे प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर मिलता है। इस दौरान दक्षिणी जिला परिषद सदस्य मंगल राम मौजूद थे। ये बनाया गया और इसकी निकासी भी कर ली गई, बहुत सारा इसमें जो भी इस संबंध में बताइए, क्या ये टीम का ग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ग्राउंड तो एक्चुअली खेलने के लिए जगह है ऐसा नहीं है, खेलने के लिए पर्याप्त जगह है और इस फील्ड का रख रखाव ये सही बात है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और एक जांच का विषय है जो आपने अभी कहा कि निकासी हो गई, इसके बारे में बहुत हमको जानकारी नहीं है। ऐसा है तो हम प्रयास करेंगे कि जो दोषी होगा उसकी कार्रवाई हो और इसका जीर्णोद्धार कैसे हो और स्टेडियम बने। गवर्नमेंट की पॉलिसी है सरकार की, एक प्रखंड में दो स्टेडियम होना चाहिए। दुर्भाग्य है, जैसा प्रमुख जी ने बताया, पूर्व प्रमुख जी और जिला परिषद के सम्मानित सदस्य मंगल राम जी, कि सिनारी प्रखंड में कोई स्टेडियम नहीं, ये दुर्भाग्य की बात। और क्या खेल के प्रति उनका सोच रहा होगा, उसका प्रतिक्रिया नहीं है। हम प्रयास करेंगे जल्दी ही स्टेडियम में भव्य स्टेडियम का निर्माण हो ताकि खेल की समस्या दूर हो। प्रयास